इस सरकार में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है, पदाधिकारी और मंत्री में ठनी है, मुख्यमंत्री चुपचाप मूक दर्शक बन कर करके देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री को तो निश्चित तौर पे इस्तीफा देना चाहिए, यही मंत्री हैं जो कि कभी रामायण के चौपाई को के भावार्थ को गलत तरीके से समाज के सामने पेश किए और लोगों के अंदर में ऐसे भाव पैदा किए जिससे सरकार और मंत्री के प्रति कहीं ना कहीं नफरत का भाव हुआ, तो ऐसे मंत्री को रहने का अधिकार नहीं है। शिक्षा विभाग के मंत्री व अधिकारियों के बीच चल रही तनातनी को लेकर के बीजेपी ने जोरदार हमला किया है और बीजेपी ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों में जो टकरार देखने को मिल रहा है उसमें बीच बचाव करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, आइए सुनाते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ शिक्षा मंत्री पीठ पत्र जारी करते हैं और दूसरी तरफ विभाग के पदाधिकारी, जो विभाग अराजक स्थिति में था, उस अराजकता से उसको निकालने के लिए और सुधारने के लिए कवायद कर रहे हैं, तो उनको पीठ पत्र जारी हो रहा है। अब ये अपने आप में हास्यास्पद स्थिति है कि मंत्री सुधार करता है, मंत्री विभाग को ठीक करता है, दूसरी तरफ जब पदाधिकारी जो कड़क पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं उस विभाग में सुधार करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ पीठ पत्र जारी होता है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जब दोनों को बुलाते हैं और उसके बावजूद मामला नहीं सुलझता है और लगातार राजद के द्वारा उस पदाधिकारी के ऊपर हमले मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं, तो ये सीधा है कि सरकार में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है, पदाधिकारी और मंत्री में ठनी है, मुख्यमंत्री चुपचाप मूक दर्शक बन कर करके देख रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री को तो निश्चित तौर पे इस्तीफा देना चाहिए, जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, मंत्री सर्वोपरि होता है और मंत्री सुधार के लिए जाना जाता है, लेकिन मंत्री के स्तर से ही सुधार को रोका जा रहा है, विभाग को और जो है से अव्यवस्थित किया जा रहा है, और उस विभाग के प्रधान सचिव अगर जो है से मंत्री की बातों की अवहेलना कर रहे हैं तो ये एक तरह से मंत्री का अपमान, तो मंत्री को रहने का अधिकार तो है नहीं, मंत्री को तुरंत इस्तीफा करना चाहिए, मंत्री का सम्मान होता है, उस सम्मान को बचाना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, यही मंत्री हैं जो कि कभी रामायण के चौपाई को के भावार्थ को गलत तरीके से समाज के सामने पेश किए और लोगों के अंदर में ऐसे भाव पैदा किए जिससे सरकार और मंत्री के प्रति कहीं ना कहीं नफरत का भाव हुआ, तो ऐसे मंत्री को रहने का अधिकार नहीं है। उस मंत्री को पहले ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, तब शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। जब मुख्यमंत्री खुद जो ऐसे मंत्री और प्रधान सचिव को बुला कर करके समझौता करा रहे हैं उसके बावजूद बातें नहीं बन रही है, उसके बावजूद जो ऐसे दोनों तरफ से जो ऐसे बयानबाजियां हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये आपस की मतभिन्नता है, विभागों के अंदर में वर्चस्व की लड़ाई है। जैसा कि आपने सुना कि प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, यहाँ शिक्षा मंत्री जो हैं अपनी तानाशाही रवैये अपना रहे हैं और इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अधिकारियों और मंत्रियों के बीच चल रहे विवाद को कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन यह अब तक विफल है और आगे भी विफल रहेगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।